अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, आप देख रहे हैं मोहम्मद उस्मान गोंदल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जी, हम कल कुछ फार्म पर और मुर्गियां लाए थे, मैंने व्लॉग डालना था, बस जो है किसी वजह से मैं ये व्लॉग नहीं डाल सका। तो जल्दी में था, कल वीडियो वहां पर बनानी थी कि हम किधर से मुर्गियां ली। और ये जो सुरख मुर्गी है, ये भी अभी अंडों पर है और काफ़ी मुर्गी हैं। कल जो थे अंडे, छोटे छोटे बिल्कुल अंडे थे, वो भी आपको दिखाते हैं। स्टार्टर मुर्गियां थी हमारी, उनके वो अभी इधर ही इनके ट्रेनों में पड़े रहेंगे। तो इनको दाना छाना भी डाल दिया है, देखें दाना छाना खा रही हैं। और ये चेक करें जी, ज़बरदस्त, ये काफ़ी बड़ा अंडा है और ये तो टटीरी जितना अंडा है। ये प्रोडक्शन इनकी स्टार्ट हो चुकी है माशाल्लाह, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो अभी इनके नीचे बुरादा कम है, ये इंशाल्लाह आज और लाएंगे। ये एक हमारी मुर्गी है, ये अंडा देगी, भी बैठी हुई है, इसके नीचे भी एक पड़ा हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मुर्गी है जी, ये चेक करें, मुर्गा चेक करें, एस्ट्रोलॉब रखा हुआ है साथ। मतलब हम मिक्स एक रिज़ल्ट आना चाहते हैं, जो चूज़े निकलेंगे उनकी कैसी प्रोडक्शन होती है। ये बाहर जाने को तैयार हैं लेकिन नहीं, हम इनको शाम को बाहर को बेचते हैं, दिन को जब आते हैं। तो अभी इनको बाहर नहीं जाने देना। और आज मौसम थोड़ा ठंडा सा है, तो इस वजह से जो है बच्चे नहीं निकाले बाहर। वहाँ पर सामने जो खुरली है वहाँ पर गए हैं, ये भैंसों के बच्चे होते हैं वो निकाल रहे। तो ये मैंने कुछ सब्ज़ा डाला था, मैंने कहा चलो ये भी मिक्स हो। वैसे तो बाहर जो आती हैं घास शास है, खा लेती हैं गोबर शोबर और बहुत कुछ चीज़ें। तो जो भाई चैनल पर न्यू आए हैं, उनसे गुजारिश है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो एक जो वीडियो मैंने डाली थी मुर्गी के अंडे लेने की, काफ़ी लोगों ने पसंद की है। तो इंशाल्लाह आगे जो है, जब जिसने ये देखा अपने अंडा छोटा सा था, इसको साइज़ को बड़ा बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ेकार है, तो वो हम इंशाल्लाह ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद हम भी आप तक वो क्या चीज़ होती है, क्या रिज़ल्ट आता है, वो आप तक लाजमी शेयर करेंगे। तो आपको हमारा फॉर्म कैसा लगा बताना। ये काम यहीं का यहीं रुका हुआ, दरअसल लड़के को छुट्टियों पे गए हुए, मैं फिर शॉप में मसरूफ़ होता हूँ, छोटा भाई होता है तो अकेले में मुश्किल हो जाता है काम करना। अभी कुछ लकड़ियाँ लाने वाली हैं, बाकी सामान लाने वाला है, तो इस वजह से ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो नहीं बना पाए। इंशाल्लाह ये बनाएंगे, यहाँ पे बनानी है शायद हम, फिर ये मुर्गियाँ यहाँ से इन दोनों चीज़ खानों में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, फिर वो बच्चे यहाँ पर आएंगे गाय भैंस के। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। ये था हमारा कुछ छोटा सा सेटअप जो आपको दिखाया है। तो ये सफाई जब करेंगे ना, उसके बाद जितना खूबसूरत लगता है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी ये घास मूसी है, ये इनके लिए रखी हुई थी, थूक गई है, इंजॉय कर रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।